अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जब मैं यहाँ आया था कतर, जाहिर है मुझे घूमने फिरने का शौक था। मुझे एक महीना सवा महीना हो गया, तो कलीम भाई कहते थे जब मेरी जब गाड़ी आएगी ना तो मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। तो फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद ये गाड़ी आ गई है उनकी, ये गाड़ी उनने ले लिया। मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि गाड़ियों के मुतालिक जो मेरी मालूमात है वो जीरो से भी कुछ नीचे का दर्जा। तो मैं आज आया हूँ काम से वापस, मैं हालांकि सो गया था, मुझे नईम भाई ने आके जगाया, कहते जल्दी जल्दी उठो चलना है। तो बस जल्दी फौरन से फ्रेश हुआ और अब हम जा रहे हैं। ये कौन कौन हम लोग जा रहे हैं वहीं पे जाके ही आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं बीच के ऊपर, ये देखें जी बहुत ही खुशगवार मौसम है और ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं होती, इसको ही सर्दी कहा जाता है, तो यहाँ पे सर्दी हुई भी है। और यहाँ पे देखें ये बालून्स इन्होंने ये उड़ाए हुए हैं, लेकिन ये है कि खूबसूरत लग रहे हैं ये भी। मैं जा रहा हूँ सीधा वहाँ पर बीच के ऊपर तो ताकि पूरे का पूरा एक नज़ारा जो है वो आपको दिखा सकूँ। अच्छा, खिलाफ तवक्को यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है तो पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम लोग उतर गए हैं लेकिन कलीम भाई अब गाड़ी पार्क करने के लिए गए, उन्होंने कहा मैं आपको ढूंढ लूँगा। पता नहीं आज क्यों रश ज़्यादा है, ये भी हो सकता है कि साथ में मैच हो रहा है फुटबॉल का, तो इस वजह से भी ज़्यादा लोग इस तरफ आए हुए हैं। Come on. Give me a big round of applause, ladies and gentlemen. Let's see who we've got. What's your name, madam? Katniss. Where are you from? Philippines and France. Well, give her a big round of applause. Bonjour, ça va? Let's give her a big round of applause.
And the young gentleman, what's your name? Ayan Abid. Where are you from, bro? Pakistan. Yeah, man. Okay, cool. David, it's time to teach these kids. Do you think you can teach them some tricks? Yeah, do you think? All right, come on, let's hear a big cheer. Okay. And we're going to do one and then another, yes? We'll start with the girl, ladies first. You come forward, madam. Come here into the center. All right, you're going to put the pencil in your hand like this. Hold it tight, both hands. Both hands. Yeah, keep it straight there. There you go, David. All right. Oh, oh, here we go. Oh, let's hear you. Oh, yes. Yes. She's a little superstar. Wow, look, it's still going. Give her a round of applause, ladies and gentlemen. All right, your turn, young man. Come forward, sir. There you go, hold the pencil, both hands. Both hands, nice and straight. There you go. Oh. All right, David, it's down to you and your amazing skills. Let's hear you. Oh, oh. Here we go. Oh, oh. Yeah! Big round of applause! All right, yeah, wow, what a shot. David, do you think you can teach them anything else? भाई मैं तो इधर नया हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये दोहा की ओल्ड पोर्ट है, ये पुराना दोहा का इलाका है। यहाँ पे यहाँ जो कश्तियाँ वगैरह पुरानी दौर की जो वो भी खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे पुरानी इमारतें भी हैं जिन्हें इन्होंने मिसमार नहीं किया, उन्हें जब महसूस किया हुआ है। बाकी यहाँ के बारे में जो लोग जानते थे वो गाड़ी पार्क करने में मसरूफ़ हैं। मैं जो कुछ दिखा सकता था दिखा दिया, बाकी बता कुछ नहीं सकता। मैं इतना ही जानता था, और चूँकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन यहाँ पे यह है कि एयरपोर्ट यहाँ पे बहुत करीब है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर दो चार मिनट के बाद ना जहाज यहाँ पे या तो लैंड कर रहा है या फिर फ्लाइट उड़ रही है। ये देखिए यहाँ पे ये पुरानी कश्ती है, चंद एक लोग इसमें सैर कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो बिल्डिंग है जो मेरी उंगली के निशान पे आप देख रहे हैं, जिस तरह अहराम बने होते हैं मिस्र के अंदर, ये बिल्डिंग ये है जी दोहा के अंदर जो जदीद जो एक शहर ने बनाया, इसकी बुनियाद थी ये बिल्डिंग। उसके बाद ये सारी पिछली बिल्डिंग जो है तेज़ी के साथ बनी है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक बिल्डिंग में शायद आज के जो फुटबॉल के मैच हैं ये उनका जो है वो उनकी एड चल रही है, उनका डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसको कॉर्निश कहा जाता है, और ये जो मेन इलाका है यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है मेरे उंगली को आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसको कहते हैं दफना।
सिटी सेंटर है ये, और ये जो बीच की ये जो जगह है ये है कतारा बीच और ये है लुसेल सिटी। ये यहाँ पे मेरी उंगलियों को आप देख सकते हैं, और लुसेल की सबसे जो है वो खास निशानी ये वाली है इसकी, ये जो फेयरमोंट होटल है ये चांद बिल्डिंग, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पर्ल कतार, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। और इस वक्त जो हम जहाँ जिस जगह पे आए हुए हैं ये ओल्ड दोहा पोर्ट है। अच्छा भाई ये देखे, ये कुछ लोग आए हुए हैं दुबई से यहाँ पे, इनकी जो मैं बाइक्स दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये देखें जी बहुत ही कमाल की, पता नहीं ये कौन से मॉडल हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैवी किस्म की बाइक्स हैं। और ये देखें, अगर इनके नाम अगर आपको आते हो तो फिर आप मुझे वो भी बताइएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा जी ये है यहाँ की ओल्ड मार्केट, आपको इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे नजर आ रहा होगा जिस तरह की ओल्ड इमारतें, पुरानी इमारतें हुआ करती थी, पुरानी फिल्मों में भी हमें नजर आती हैं। ऐसे लगता है जैसे पुरानी इमारतें मिट्टी की बनी होती थीं, तो ये भी ऐसे ही नज़र आ रही हैं, लेकिन हालांकि ज़ाहिर है ये अब वैसी नहीं हैं जैसी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये दस्तकारी आप देखें, تكون ما تلعب تفرس كل ما تاثر مثل وعي في عين شيء وعين تجرح الكم تفرس دمك شو الطريق هذا جسم غريب يجرح. ये देखें, ऐसा लगता है जैसे हम अच्छा ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना ये स्पीकर लगे हुए हैं, और ये पूरे पूरी मार्केट के अंदर ये म्यूज़िक चल रहा है और बहुत ही कमाल का लग रहा है। अच्छा जी हम इस मार्केट से बाहर निकल आए हैं और ये इतनी ज़बरदस्त और मुझे बहुत प्यारी लगी है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ज़्यादा मूवीज़ और ड्रामे नहीं देखे हुए, लेकिन मैंने कभी भी उनमें भी इतनी ज़्यादा अच्छी रोमानवी जगह नहीं देखी जितनी ये मार्केट है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। और ये है पार्क, पार्क के अंदर इन्होंने LED लगाई हुई है, जो आवाम यहाँ पे बैठ के एशिया कप का मैच देख रही है फुटबॉल का। यहाँ पे अरबी लोगों की एक आदत है, इनको ये ज़्यादातर पार्क के अंदर बैठ के मैच देखना पसंद करते हैं, स्टेडियम में बहुत कम जाते हैं। दीवारों पर इन्होंने कुछ अपना पुराना जो आर्ट है वो लगाया हुआ है, जो पुराना इनका, अब ये देखें जो पुराने इनके शहर थे इन्होंने उनकी तस्वीर लगाई हुई है। और ये है दोहा की पुरानी बंदरगाह, यहाँ पे इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था, जहाज आते थे, तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक जहाज खड़ा हुआ भी है ये, लेकिन अब यहाँ पे बहुत कम जहाज आते हैं, अब इन्होंने नई पोर्ट बना ली है तो अब वहाँ पे सारा काम शिफ्ट हो गया। चलें जी यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस।